हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि कॉटन सिल्क जो साड़ीज़ होती हैं जो कि अक्सर पीछे की तरफ से पलट जाती है, और ये जो साड़ी है ज़्यादा इसका जो फैब्रिक है वो स्ट्रेचेबल नहीं होता या फिर एकदम से अकड़ जाता है, जिसके चलते हम ड्रेप भी करते हैं तो नीचे की तरफ से भी साड़ी अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाती है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको आप कंफर्टेबली ड्रेप कर पाए और एक प्यारा सा जो लुक है वो आपका इससे आए। तो यहाँ पर देखिएगा साड़ी का जो कलर वगैरह है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आपको कौन सी कलर की साड़ी ज़्यादा वेयर करना पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ जो फैब्रिक है वो फ्लोर को टच करते हुए रखना है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना, जिस तरीके से हम इसको टक इन कर लेंगे उसी तरीके से बैठ जाता है। ये ऐसा नहीं है कि स्लिपरी फैब्रिक ना होने की वजह से ये बाद में थोड़ी देर बाद नीचे चला जाएगा, और ज़्यादा हीवी भी नहीं है। और हीवी साड़ी जो है तो थोड़ी हम ऊपर भी वेयर करें तो अपने आप थोड़ी देर बाद नीचे आ जाती है, लेकिन ज़्यादा भी ऊपर नहीं वेयर करते। इसको हमने देखा कि एकदम से फ्लोर को टच करते हुए रखना है, एकदम से ज़्यादा नीचे नहीं रखेंगे। अब उसके बाद में हम चलेंगे हमारी पल्लू के पोर्शन की तरफ। तो इस तरीके से हमें पल्लू का जो पोर्शन है उसकी प्लीट्स वगैरह अरेंज कर लेनी है। इस तरीके से हम मीडियम लेंथ के प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे और अच्छे से इसको सेट ज़रूर कर लेंगे। अब देख सकते हैं, अब देखिएगा इसके प्लीट्स हम अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन बीच में जो फैब्रिक है ना, ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा फ्लफी होती है, तो इसको आप पिनअप कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से इसको ले लीजिएगा, जिसके चलते आप देखेंगे कि आपकी जो ड्रेप है, आपकी जो पल्लू का पोर्शन है वो एकदम से परफेक्टली यहाँ पर बैठ जाएगा। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको पल्लू का जो पोर्शन है उसको पहले अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से भी कोई भी क्लिप वगैरह पिन वगैरह ना भी लगाए तो भी आप इसको अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सबसे पहले तो पल्लू की जो प्लीट्स हैं वो एकदम से परफेक्टली यहाँ पर आए, सो इसके लिए यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से इसको मरोड़ लेना है, और यहाँ पर ट्विस्ट करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो प्लीट्स हैं वो यहाँ पर इजीली बन जाएगी। इसको अब हम पीछे की तरफ डाल देंगे लेफ्ट वाले शोल्डर पर। यहाँ पर हमें थोड़ा सा बड़ी साइज़ में पल्लू रखना है। अब यहाँ पर हम शोल्डर पर पिनअप कर लेंगे अच्छे से, और नीचे की तरफ यहाँ पर एक पिन हम लगा लेंगे। सो सेफ्टी पिन लगा लिया है तो पीछे से आपका जो पल्लू है एकदम से फ्लफी हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फ्लफी होने की वजह से फैब्रिक फूल जाती है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम नीचे की तरफ एक पिन लगा लेंगे। सिंपल सी बात है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको पहले तो इस तरीके से ट्विस्ट करना है अच्छी तरीके से, और बाद में ऊपर की जो बॉर्डर है इसको इस तरीके से पीछे से लाते हुए हम हमारे लेफ्ट साइड में टकिंग कर लेंगे वेस्ट पर। बाद में यहाँ पर जो प्लीट्स है उसको अच्छी तरीके से वन बाय वन निकालेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। सो देखिएगा कितने अच्छी तरीके से आया है। ये वाली जो बॉर्डर है इसको पीछे से हम सामने की तरफ लेकर आएंगे। अभी यहाँ पर लाने के बाद आप देखिएगा इस तरीके से इसको रखना है, और यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है बॉर्डर को हमारे, और यहाँ से ये फैब्रिक इस तरीके से खींचेंगे और ट्विस्ट कर लेंगे। देखिएगा, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, एकदम से परफेक्टली आपका वेस्ट का पोर्शन जो है इस ट्रिक से आने वाला है। लेकिन ये जो ट्रिक है तो वो हम बाद में यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर सेंटर जो प्लीट्स है उसको मीडियम लेंथ की हमें बना लेनी है, एकदम छोटी साइज़ की नहीं बनानी है, क्योंकि ये जो साड़ी है बहुत ज़्यादा प्लीट्स बनेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा फूलेगी आपकी प्लीट्स, और आप अच्छी तरीके से इसको सेट नहीं कर पाएंगे। सो अच्छे से वन बाय वन इसको अभी सेट कर लेंगे, एकदम से इकट्ठा भी प्लीट्स नहीं रखनी है। वन सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर इस तरीके से गैप छोड़ते हुए आप इसको अच्छे से वन बाय वन यहाँ पर रख लीजिएगा, और ऊपर की तरफ इस तरीके से इसको, इस फैब्रिक को हमें अच्छे से सेट ज़रूर कर लेना है, और यहाँ पर भी मैं एक पिन ज़रूर लगा लूँगी। नीचे की तरफ की जो फैब्रिक है उसको भी अच्छे से हमें सेट ज़रूर करना है, क्योंकि सामने की तरफ आप देखिएगा हमारे प्लीट्स वगैरह अगर अच्छे तरीके से आएंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंट लगता है और कंफर्टेबल हमें लगेगा। एकदम से फ्लफीनेस अगर सामने की तरफ है और हम कहीं जा रहे हैं तो अनकंफर्टेबल लगता है और साड़ी वेयर करना हम टालते हैं। सो इस तरीके से अगर आप ड्रेप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो ड्रेपिंग है वो परफेक्टली यहाँ पर बन जाती है, और दो प्लीट्स के बीच में जितना थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे, क्योंकि एकदम से दो प्लीट्स के बीच में भी अगर हम कम फैब्रिक छोड़ते हैं, एक जैसे फैब्रिक आनी चाहिए, अगर कम छोड़ते हैं तो वो बाद में पलट जाते हैं, दो
प्लीट्स, तो जिसके चलते बीच में का जो फैब्रिक है वो आ जाएगा। देखिएगा अभी जो फैब्रिक हमने मैंने आपको बताई थी वही फैब्रिक को इस तरीके से हमें राइट साइड से निकालना है और यहाँ पर ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने के बाद इस तरीके से इसको टक इन कर लेंगे सारे फैब्रिक को। अब जो सेंटर प्लीट्स हमने यहाँ पर बनाई है उसको अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर पिनअप कर लेंगे एकदम से परफेक्टली। इस तरीके से आपकी साड़ी बैठेगी और फिटिंग के साथ में आपका जो ड्रेप है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं वेस्ट पर हमारा परफेक्टली यहाँ पर पोर्शन आया है, हमारे जो सेंटर प्लीट्स है वो भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बन चुके हैं और फाइनल जो लुक है वो अब हमारा यहाँ पर बन चुका है। सो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारी जो ड्रेपिंग है वो यहाँ पर आई है। सेंटर प्लीट्स आप देख सकते हैं, ऊपर का पोर्शन आप देख सकते हैं, वेस्ट पर भी बहुत खूबसूरत तरीके से हमारी ये साड़ी आई है और बहुत ही परफेक्टली हमारा जो ड्रेप है वो यहाँ पर लग रहा है। पीछे से भी आप देखिएगा, सो आई होप आप सभी को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और किस तरीके की साड़ीज़ पहनते वक्त आपको दिक्कत आती है वो भी मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।